आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के नगरवासियों को मीठा पानी पिलाने का वादा आज भी अधूरा है, लेकिन छोटे पुल के ऊपर उसी मीठे जल का दरिया बह रहा है। सुबह से निरंतर पाइपलाइन से पुल के ऊपर बह रहे पानी से जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है, लेकिन ना तो नगर निगम प्रशासन और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की परवाह है। बताया जा रहा है कि बीती रात से ही पाइपलाइन फटा हुआ था। सुबह देखा तो पूरे पुल के ऊपर जल भराव की स्थिति बनी थी। इस दौरान पुल से गुजरने वाले कई प्रशासनिक अधिकारी देखकर भी अनजान बने रहे। इधर नगर निगम प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी पूरे शहर में भ्रमण करते हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम का कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे यह तो पता चलता है कि मीठे जल को लेकर प्रशासन कितना संवेदनशील है। आपको बता दें कि आज भी रीवा नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे वार्ड हैं जहां लोग मीलों दूर जाकर मीठे पानी की तलाश करते हैं। मीठा जल पहुंचाने का वादा करने वाली सरकार भले ही लोगों को मीठा जल अभी तक उपलब्ध न करा पाई हो, लेकिन यही पानी सड़कों का दरिया जरूर बन रहा है, जिसके शोध लेने वाला कोई नहीं है। यदि समय रहते पाइपलाइन में सुधार नहीं किया गया तो लोगों को इस गर्मी के मौसम में जल संकट की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है।